Hey guys, good morning. Welcome to my vlog. और आज की हीरा का yes. इधर कॉल करें. और आज है लास्ट डे यहाँ पे श्रीनगर में. आज हम लोग निकल रहे हैं पहलगांव. तो पहलगांव पहुँच के आप लोगों से मिलती हूँ. यहाँ पे हम लोगों का टू नाइट स्टे था, थ्री डेज. तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ इंजॉय किया. लोकल मार्केट गई, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, शंकराचार्य मंदिर, फिर मीना बाज़ार, शिकारा राइड. तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ किया और सारा प्राइस वगैरह सब कुछ मैं शेयर करूँगी आप लोगों से. अच्छे से व्लॉग डालूँगी, कितने खर्च आए, कितना कुछ हुआ, सब कुछ. तो अभी बस हम लोग सारा कुछ पैकिंग हो चुका है और आज मैं पहनी हूँ कुर्ती और जैगिंस और येलो जैकेट. हम तीनों येलो येलो पहने हैं. तो पतिदेव यहाँ विंडो से बाहर देख रहे हैं, पता नहीं किसको. तो येलो येलो जैकेट, सार्थक भी येलो में है. यहाँ पे हमारी ट्रॉली सब रेडी है, पैक ऑल सेट. सार्थक भी येलो जैकेट में. सो आज हम लोग येलो फैमिली बने हुए. चलिए गाइज, आप लोगों से मिलती हूँ पहलगांव में. सुनो, तुम बेसमेंट में चले जाना. ओके ठीक है, आप कहाँ जाओगे? कार्ड दे के आते हैं ना, वो साइन वगैरह. तुम यही रहो बेसमेंट. जा रहे हो उधर कार्ड देने. सो गाइस, हमारी सामान सारा गाड़ी में एडजस्ट हो रहा है यहाँ और हम लोग अब निकल रहे हैं. बहुत ज़्यादा ठंड तो धुआं निकल रहा है, पता नहीं वीडियो में पता चल रही है. ट्रैफिक चलो. गाइस, वी आर जस्ट फ्रीजिंग. देखो हम तो जम रहे हैं ना साथ. देखो डोरेमोन को, डोरेमोन. अभी जो टैंक आने वाली है यहाँ पे, भारत पाकिस्तान की फाइट हुई थी, जो कब्जा किसने किया था? कब्जा नहीं, युद्ध हुआ था उसमें. और क्या, भारत ने कब्जा किया था. यही वीवी कैंट है, इसी में गए थे हम लोग अंदर. बहुत मुश्किल है इस कैंट में घुसने के लिए भी, जो है ना, मतलब बहुत टफ. मतलब तो गाइस बहुत कुछ हम नहीं भी दिखा सकते, जो हम आपसे शेयर कर सकते बस वही शेयर करेंगे. गाड़ी में चल रही है ब्लोअर, तो हमें थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो हालत खराब हो रही थी. आ गया वो सर, आ गया, आ गया. ये वाला टैंक देखो सर, यही वो टैंक है. इंडिया पाकिस्तान फाइट, दिस इज ओवर. पकड़ाया तो पाकिस्तान का टैंक है वो, इंडिया कब्जे में लिया होगा इसको. अब जो मैं दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल चीज है, यहाँ का केसर का खेत. तो आप देखो मेरे साथ, ये केसर की खेत है बेटा. यहाँ पे ना केसर होती है, केसर. तो गाइस वो ऊपर जो लगी हुई है वो बादाम की पेड़ है, आलमंड की. वो ऊपर ऊपर जो है ना. तो अभी टी ब्रेक हो गया, पतिदेव को पीना है चाय, मैं तो पीती नहीं हूँ. तो चलते तो साहब के लिए गेट ओपन हो गई है और मैडम के लिए भी गेट ओपन हो गई है. देखो क्या आया, तो हम जा रहे हैं अंदर बैठने. अभी मारना मत, जब आएगा तब. ये डॉगी तो हमारे पीछे ही पड़ गया है. सुंदर सुंदर लोग देखे नहीं होंगे ना इसलिए. जैसे हैंडसम नहीं देखा होगा ना, वो गंदा डॉगी. चलो अंदर हम लोग चलते.
हम लोग भालू लग रहे हैं, भालू तो हम लोग केसर लेने जा रहे हैं। So we are केसर शॉप, तो यहाँ पे देख रहे हैं केसर, हम केसर लेने वाले हैं और हम लोगों से बहुत लोगों ने भी मंगवाया है। नहीं भैया मैं नहीं खाती हूँ, मेरा तबीयत खराब हो जाता है। तो ये लोग खा रहे हैं ऑलमंड, खाओ साथ खाओ गरम गरम। तो यहाँ पे मैं और साथ ब्लोअर से थोड़ा गरम गरम हो रहे हैं, हाथ से एक लो वरना हम फ्रीज हो जाएंगे। गाइस ये केसर की फ्लावर है, एक फ्लावर में सिर्फ तीन होती है। ये साल में एक ही बार आता है, ब्लॉग में बता दे। साल में एक ही बार आता है, ये कश्मीर में सिर्फ वहाँ पर जगह आता है ना। हाँ हाँ वो देखा था, साल में एक ही बार ये ऐसा होता है। ना वो चार्ट है ना, ऐसे ही सारा ऐसा ही होता है तो वहाँ देखते हैं, चलते हैं क्या ले रहे हैं ये लोग। हाँ वो तो खाया है, देखो ये केसर यही चीज़ पैक किया हुआ इसमें। अच्छा सो गाइस ये केसर यहाँ का ले लेना है। नहीं भैया मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, मुझे ये पसंद ही नहीं है, मैं खाती हूँ। तुम खा खुशबू तो बहुत अच्छी है। फेस वॉश भी है, देखो मैम इसको वहाँ बैठो ब्लोर के पास। ये रियल केसर, हाँ एक पूंज से तीन ही होता है। ये रेशिया ये होगा केजी, एक केजी है डायला, हाँ ढाई लाख की गाइस। ये है एक केजी केसर ढाई लाख के, बाहर जाके बेचेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। वो तो है ना, एक केजी है ढाई लाख, ढाई लाख का एक ग्राम है ना, 250 का एक केजी। ये बाहर जाते जाते 5 लाख तो होंगे बाहर। सही बात है, हमारे यहाँ पता है कितने बहुत महंगा देता है उधर ले जाने पे। यहाँ पे आपको गारंटी के साथ मिलेगा सर। इससे इसके पहचान के बारे में पता है, ये 1200 इसको भिगोने की जरूरत नहीं होती है, इसको डायरेक्टली खाते हो रहते हैं वहाँ में। ये भी नहीं खाते हुए तो मेरा पता है प्रेगनेंसी से ये सब चीज़ मुझे दिक्कत हो गया है। अलग अलग क्वालिटी की क्वालिटी इसमें एक ही क्वालिटी है, इसमें जो ऑयल रहता है यूगर में, यूगर में जो हार्ट के लिए अच्छा रहता है। ये बात है, ये है अखरोट केसर केसर इसको बालों पे भी लगा सकते हो, फेस पे भी लगा सकते हो। क्या प्राइस क्या है? तो है अरे ये बेरीज है सर। क्या है ये बेरीज? किसी की आयरन की कमी रहती है ना, बैठ जाता है। आप टेस्ट कीजिए मैम, ये बहुत टेस्टी है मैम, खाओगे साथ तक बेरी लीजिए, आपके लिए अच्छा है, बच्चे के लिए सबके लिए। ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी भी आता है, ब्लूबेरी भी है, क्रैनबेरी भी है, चेरी भी है। ये है चेरी, ड्राई चेरी लीजिए सर।
क्या क्या यूटीआई के लिए कोई इशू रहता है ना, उसके लिए हेल्प रहता है। क्या क्या यूटीआई के लिए कोई इशू रहता है ना, उसके लिए हेल्प रहता है। क्या प्राइस है सबका? मैं बताता हूँ ना सर, ये ब्लूबेरी, ये बहुत टेस्टी अच्छा है सर। हाँ, ये ब्लूबेरी, ये वाला थोड़ा खट्टा था ना। ये ब्लू, ये क्रैनबेरी लीजिए लीजिए। और ये ब्लूबेरी, इसमें से सीड मिलेगा, उसको ऐड में क्रश करना, उसमें से जूस मिलता है। अच्छा, ये सीड खाना होता है? आप ये सीड खा सकते हैं, खा सकते हैं इसको। बाहर से एक टेस्ट देता है, अंदर से एक टेस्ट देता है। ये चीज है ब्लूबेरी के अंदर ना। हाँ, ब्लूबेरी। दूसरा था ड्राई चेरी, जो बाहर का रहता है ना केक में, वो वाला नहीं, ये अलग रहता है। अच्छा, ये अलग है? हाँ, ये सब क्या इसी एरिया में? हाँ, कश्मीर से। ये पहले खिला खिला रहता होगा, गोल के सुकरा ऐसे नहीं, ये गोल का रहता है, ये ड्राई रहता है। अच्छा, ये ऐसे हो जाता है? हाँ, बता बोन कुन था, बोन कुन तो गाइस, ये श्रीनगर का कहवा फेमस है, कश्मीर का कहवा, कश्मीर, यस कश्मीर का है तो बढ़िया है, लेटेस्ट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, इसको आपको हाल है वही चीज। तो गाइस, ये है पुलवामा, यहाँ के बारे में क्या ही बोलूं, नाम सुन के ही दुखी हो जाता है मन। ये हाईवे है, पुलवामा हाईवे। इधर ही है बेटा, इधर ही होता है। खाली बैट का ही दुकान है, ये देखो खाली सब बैट ही बने रहा इधर। तो गाइस, यहाँ पे बैट की फैक्ट्री है, हम जाने नहीं चाहते के लिए एक बैट यहीं पे हुआ था। अच्छा, इसके सामने एकदम यहीं पर हुआ था दीदी, यहाँ पे वहाँ से गाड़ी चल रही थी ना, उस साइड हुआ था कि साइड नहीं, उस साइड, उस साइड, उस साइड हुआ था। ये सेब का बागान है, सूखा हुआ, लेकिन अभी पत्ते गिर गए हैं सभी। नहीं बेटा, अभी सीजन ऑफ हो गया ना, नहीं चलो ना देखते हैं। अच्छा, लगाया हुआ है, फसाया हुआ है। अच्छा, ओरिजिनल कौन सा है? ये है ना। अच्छा, ये बिल्कुल पेड़ में अभी लगा हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा, ये फसाया हुआ, दे दो उनको, ये फंसा देंगे फिर से। ये वैसे ही बिल्कुल लगा दो, छोड़ दो, तुमसे नहीं फंसेगा। अच्छा अच्छा, मतलब देखने के लिए, सुंदर लगने के लिए आपने ऐसे फंसा रखा है इसको। हाँ, इसका सीजन खत्म हुआ, छोड़ दो तो वो फंसा देंगे ये। गाइस, तो एप्पल का यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज है, तो ये जो भैया दिखा रहे हैं ये क्या है? एप्पल जैम। अच्छा, एप्पल जैम है, ये है बादाम एप्पल, बादाम एप्पल जैम, ये कमल ककड़ी का अचार जो डल झील में होता है। अच्छा, इसका यखनी भी बनती है, टेस्ट करो। हाँ, आप टेस्ट करो। वाव, ये एप्पल जैम, एप्पल जूस लिया मम्मा, लो। क्या है ये? एप्पल जैम, एप्पल टेस्ट, एप्पल अचार, वो टेस्टी। ये एप्पल पिकल, सेब का अचार। यासिन भैया वो उधर गए, वो वॉशरूम गए। यह एप्पल चटनी, खट्टा है, मीठा चटनी है सर, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, खट्टा मीठा है, स्पाइसी भी है। यह एप्पल सॉस, एप्पल सॉस,
गार्लिक खाते हैं, गार्लिक वो यहाँ का अलग होता है। सबके टेस्ट बहुत अच्छे हैं भाई। आप खुद बनाते हैं आप लोग खुद ही? गाइस यहाँ आइए तो ले भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं भी ले सकते। ये यहाँ का अलग गार्लिक होता है। लहसुन, ये है मुरब्बा। सन मुरब्बा, ये है मुरब्बा। अब आप देखो कौन कौन सा पसंद आएगा। सबका टेस्ट अलग अलग है। अच्छा ही है। क्या करेंगे ये मामा आप? एक ये एप्पल जैम, ये एप्पल सॉस। भरा रहता होगा, पूरा रेड होता है, पूरा रेड एकदम। कितना अच्छा लगता है। सितंबर, सितंबर में पूरा टूट जाता है, यानी कि अगर ये दिखना है। क्या है भैया ये? गोल्डन, गोल्डन एप्पल। ओके, गोल्डन। और रेड वाला जो होता है एप्पल, वो भी है डिलीशियस। वो मतलब अंदर से थोड़ा सा नरम होता है। अच्छा, और ये? ये बराबर रहता है, ऐसे हार्ड रहता है। हार्ड रहता है, पानी बहुत होता है इसमें। पानी जब ये नरम होता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें पानी बराबर रहता है। जब वो नरम होता है रेड वाला, वो तो फेंकने। Hey guys, तो जो मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ ये है कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे, जहाँ पे एप्पल स्टोर किया जाता है। तो आप लोग भी देखिए इतने सारे एप्पल, स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, ये कांड कर लियो। अभी तो खाएंगे नहीं, बट सेव का क्वालिटी हमें बताइए जरा कौन कौन से है। ये अलग है, ये मिश्री है, ये अलग है, रेड डिलीशियस। अच्छा, और ये सच कुछ आप जल्दी बेटा वैसे नहीं करते, अंदर घुसते ही खुशबू खुशबू। हाँ, ये अमेरिकन है। उधर देखो मिरर। Hey guys, so आज का मेरा लुक पहलगांव का। हाँ अंकल, हाँ देखा हमने कैसे आपने रखा है उसको सेव करना। इस बगीचे का मालिक है। अच्छा, ये बगीचा आपका है? तो ये अंकल जी है, बगीचे का 18 साल से मेहनत की। ये उसका है, ऊपर वाले का है। नहीं वो तो है बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। हमें दुआ दीजिए अंकल, उसको दुआ दीजिए, सबको को दीजिए, बाबू को दीजिए। बाबू का छोटे दो साथ है, इधर आओ। और बड़ा आ गया, देख मिट्टी उठाए हुए इधर। कोई नहीं, अब इसी में बाबू और ना थे इसको तो होते जोड़ हट को तक कर जूस कैसे चेक। हां अच्छा, देखो कल आते वक्त चलो ठीक है, चलेंगे। अभी तो जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं अभी, ठीक है। कल लौटते वक्त ना कुछ सेब और अचार कुछ लेके जाएंगे। सेब खाया? सेब खाया नहीं, जूस पिया आपने? सेब खाओ आप, जैसे सेब। कल आते वक्त ही खाएंगे, अभी अब बेटा ना बिल्कुल जगह नहीं है। ये मेरे पास बच्चे है, ये छोटा बेटा है। वो कहाँ गए? देखो इधर इधर है। लास्टली मैं 4500 रुपया दूंगा दोनों घोड़े का, अगर चलना तो ठीक है। तो यहाँ पे घोड़े से ही जाना है, घोड़े वाले बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस अभी तक ऐसा कुछ हमें जेन्युइन रेट नहीं मिली है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या करते हैं। तो मैं आसपास ही घूमती हूँ। तो गाइस हम हैं अभी पहलगांव में, और पहलगांव घूमने का अभी बात हो रहा है, बट घोड़े का ये लोग बहुत ज्यादा चार्ज मांग रहे हैं। शायद इतना ज्यादा मांग रहे हैं कि आप 3 दिन स्टे कर सकते हैं या 4 दिन स्टे। थोड़ा आप लोग ऐसे ही पैदल ही घूमने लगे थोड़ा। यहाँ पे खाना नहीं, तो ये खूबसूरत सा कश्मीर जिसमें बैठे हैं दो हैंडसम।
ठंड लगेगी बेटा पहन लो। खाओगे ना बेटा? तो यहाँ कश्मीर के ठंडे ठंडे मौसम में चल रही है ये गर्मा गर्म छोले भटूरे। इतना प्यारा प्यारा घोड़ा हमें ले आया है, कहाँ ले आए भैया? पहलगाम वैली। पहलगाम वैली, एक बार उधर सीन ये व्यू। यस तो ये जगह है भैया, आप बताओ। कनीमर क्यों है? ये जो पुराने जमाने का पांच पांडव लोग था ना, इन्होंने यहाँ से पत्थर उठाकर नीचे मंदिर बनाया था। हाँ। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया कनीमरग। तो देखिए कितना सुंदर है, मतलब कांट टेल यू, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब आप आओगे ना खुद ही घूमोगे। ये पेड़ किस चीज का है सर? बहुत अच्छा। ये पाइन ट्री जो नीचे श्रीनगर में हाउस बोट बनाया ना, वो इसी लकड़ी का है। अच्छा जी। ये हाँ, तो ये कौन सा वैली है भैया? ये दूना वैली है जी। यहाँ क्या होता है? इधर पुराने जमाने में जो लोग थे ना, वो इधर दूध की रोटी और घास का जूता बनाते थे पुराने जमाने में। मानना पड़ेगा सच में। इसीलिए ये आता है डाउन में, इधर भेड़ बकरी वाला लोग रहता था इधर पहले। देखिए उधर डाउन में। हाँ वैसे फ्रंट कैमरे से दिखा दो नीचे की तरफ। ये रहा रास्ता यहाँ से। अभी इधर से हम लोग आगे किस ओर जाएंगे? जी कश्मीर वैली पे। कश्मीर वैली जी। और उधर छोटा थोड़ा थोड़ा आइस है ना? हाँ जी जी वो देखो। घोड़ा मार खा गया। क्यों मारे इसको? डरपोक। अब कहाँ भाग रहे? So guys, we are at Kashmir Valley. और घोड़ा मार खा रहा है, डरता है इसीलिए। क्यों डरते हो? पकड़ लो, पकड़ो बेटा, पकड़िए, मैं पकड़ती हूँ। क्या चार्ज है इसका? अच्छा अच्छा कैसे बैठा रहेगा ये? रुको रुको, तूने किसी किसी फोटो? नहीं नहीं पकड़ना, एक हाथ लगा ऐसे करेंगे। नहीं आगे वाला नहीं। तो मम्मी कल स्टॉप ऐसे रखो, सब देखो ये है ना, नीचे रखा मैंने। आ जाओ, आ जाओ बाबू। कितना सुंदर सीन है, वाओ। सर्दी का सीन है मेरा। हाँ सर्दी है।